हम आज मौजूद हैं एक विद्यालय पे, और यहाँ पे बूथ बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे कल चुनाव है। यहाँ की व्यवस्थाएं क्या क्या हैं, किस तरीके से यहाँ पे कैमरे का इस्तेमाल किया गया है जो कि ऊपर के जो अधिकारी हैं वो देख सके। चुनाव आयोग का जो ये एक अलग नियम है जो कैमरे लगा के उसको सब जगहों पे दिखाया जा रहा है, जो भी बड़े अधिकारी हैं उसको देख पा रहे हैं, हर बूथ की जो भी जानकारी है कैमरे के माध्यम से उन लोगों तक पहुंच पा रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार पहल है। मैं आपको एक एक चीज़ें दिखाने वाला हूँ किस तरीके से कैमरे लगे हैं बूथ पे, और वहाँ पर किस तरीके से जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको बैठने की व्यवस्थाएँ की गई हैं, और यहाँ पे जो व्यवस्था है अभी जो विद्यालय है, ये विद्यालय शिक्षा क्षेत्र बांसडीह जनपद बलिया उत्तर प्रदेश का है, विद्यालय कोड आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट भी किया गया है। मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से यहाँ पे जो चुनाव कराने की प्रक्रिया है उसको कैसे की जा रही है, और जो वेबकास्टिंग का काम किया गया है, जो कैमरे लगाने का काम किया गया है, जो बड़े अधिकारी इसको आसानी से देख पाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये विद्यालय का परिसर है और इसमें बूथ बनाया गया है। यहाँ पे का नाम है, मोबाइल नंबर है, बूथ की संख्या है, 203 बूथ की संख्या दिखाई दे रही है। यहाँ पे कक्षा दिख रहा है, यहाँ पे प्रधानाध्यापक का कक्ष भी यहाँ पे दिख रहा है। दोस्तों, ये वो कमरा है जहाँ पे बूथ बनाया गया है, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। देखिए, ये पूरा है, यहाँ पे अभी एक ही टेबल लगे हैं, चूँकि दो तीन टेबल लगने बाकी हैं और वो सभी अधिकारियों के लिए होंगे जो भी यहाँ पे रहने के लिए, वोट कराने के लिए आने वाले हैं। बहुत ही शानदार दिख रहा है। मैं यहाँ पे कैमरे की बात करूँ तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कैमरा बिल्कुल ही ऑनलाइन चल रहा है। ये है, ये जब ग्रीन है तो समझिए कि इसको बिल्कुल ही ऑनलाइन है, जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं जहाँ पे इसको वेबकास्टिंग की गई है वहाँ पे सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार पहल है। एक चीज़ और है, ये जो कैमरा है इसको जहाँ पे वोटिंग मशीन होगी, जहाँ पे वीवीपैट होगा और जहाँ पे बटन मशीन होगी, उसको छुपा के कहीं ना कहीं कोने में रखा जाएगा, ताकि उसका बटन वाला जो सिस्टम है, कौन किसको वोट दे रहा है, वो जो प्राइवेसी है वो लीक ना हो पाए। उस तरीके से इस कैमरे को भी सेट किया गया है कि इसका फोकस उस मशीन पर डायरेक्ट ना जा पाए, तो बहुत ही शानदार है और काबिले तारीफ है जो चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को रखा है। इसके साथ आप देख सकते हैं वाईफाई भी है जो कि सीधा इसको इंटरनेट से कनेक्ट करता है और ये सीधा प्रसारण कर देता है जहाँ से इसको लिंक किया गया है। ये चार्जर एक दिया गया है, क्योंकि इसमें दो पॉइंट है, एक कैमरे से कनेक्ट हो जाता है और एक पॉइंट जो है वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, ताकि इसको वाईफाई डिस्चार्ज ना हो और अच्छे तरीके से कार्य भी करता रहे। तो चुनाव आयोग की यह बहुत ही शानदार चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं जो चुनाव है उसको निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए ये तमाम चीज़ों का उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है, और एक अच्छा जो नियम है वो चुनाव आयोग द्वारा देखने को मिल रहा है। चूँकि बार बार इसमें ये देखने को मिलता था, जो भी नेतागण थे वो बार बार बोलते थे ईवीएम में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जा रही है, तो ईवीएम में भी जो मॉक पोल का काम दिया गया इस बार बहुत ही शानदार दिया गया है, जो 50 वोट दे के जो भी बूथ पे होंगे, जो एजेंट बनेंगे किसी भी पार्टी किसी भी दल के, तो वो सीधा 50 वोट दे के ईवीएम को चेक कर देंगे कि अगर 50 वोट में अगर 10 किसी को दिया गया है तो 10 ही पड़ा है या कम बेसी पड़ा है, ये तमाम चीज़ें 50 वोट दे के मॉक पोल करके वो दिखाया जाएगा और सभी जो वहाँ पे एजेंट होंगे उनको संतुष्ट किया जाएगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे चुनाव हो रहा है और कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर पहल है, क्योंकि वेबकास्टिंग भी अब की जा रही है और मेरे हिसाब से ये पहली बार ऐसा हो रहा है विधानसभा चुनाव में, और ये कुछ ही बूथ ऐसे होंगे जहाँ पे बचा होगा, बाकी बूथों पे ये तमाम चीज़ें लगातार देखने को मिल रही है, वेबकास्टिंग करने को मिल रही है, और यहाँ पे जो ई डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, सीएससी वाले हैं, उनकी ड्यूटी वेबकास्टिंग के लिए लगाई गई है। हाँ, कुछ जगहों पे पंचायत सहायक भी इसका कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। एक चीज़ और जो क्लियर है वो मैं आपको बता दूं, देखिए ये कैमरा आज लग गया है, चुनाव कल है और आज से ये कैमरा लग गया है, ताकि रात को भी कहीं से भी जो यहाँ पे अधिकारी आए उनको कोई दिक्कत ना हो, वो कैमरे की निगरानी में रहें और अच्छे तरीके से उनकी यहाँ पे व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। दोस्तों, ये है, इस तरीके से कार्य हो रहे हैं और तमाम चीज़ें जो एक निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने की मंशा है चुनाव आयोग की, वो बेहतर तरीके से हो रही, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट बलिया है और यहाँ पे कई बार कई सारे ऐसे भी बूथ हैं
जो कि बहुत ज़्यादातर विवाद में रहते हैं, जिसको अति संवेदनशील संवेदनशील में भी आते हैं, तो वहाँ पे जानबूझ के कैमरे की वहाँ पे वेबकास्टिंग कराई जा रही है ताकि वहाँ पे ज़बरदस्त निगरानी हो सके, अधिकारी वहाँ पे लगातार देख सकें और वहाँ की जो भी सिचुएशन है उसको समझ सकें और उसको अच्छे तरीके से कार्य कर सकें। आगे मैं आपको यहाँ पे बाहर अगर दिखाना चाहूँ तो इस विद्यालय में व्यवस्थाएँ तो बहुत ही शानदार है, लेकिन बूथ एक ही बनाए गए हैं। चूँकि जनसंख्या कम होने के कारण यहाँ पे बूथ एक ही है, लेकिन फिर भी बहुत शानदार है। यहाँ पे पहले से प्रिंटेड भी है, किसी को कोई दिक्कतें भी नहीं हो रही हैं। और बाहर का ये विद्यालय का परिसर है और यहाँ पे सीधा लाइन लग जाने वाली है, यहीं से सीधा जो भी वोटर हैं वो वोट देने वाले हैं। तो ये सारी यहाँ की व्यवस्थाएँ हैं, इस तरीके से कैमरे लगाए जा रहे हैं, चूँकि एक बहुत ही शानदार पहल है। तो आप लोगों ने देखा जो भी यहाँ पे व्यवस्थाएँ हैं, मैंने दिखाने का प्रयास किया और आगे भी ऐसी तमाम जानकारी आपको मिलती रहेगी, हम दिखाते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जानकारी के साथ अगली वीडियो। फिलहाल के विदा लेंगे दोस्तों, जय हिंद।